ये है Oppo Reno 8T Plus 5G और ये है OnePlus Nord 2T 5G। दोनों फोन आता है 30,000 के अंदर, ये है 29,000 का और ये है 30,000 का। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। आप वीडियो को लाइक कर देना और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फोन के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। तो ये दोनों फोन काफी कॉम्पैक्ट है, इवन यहाँ पे जो Oppo वाला फोन है ये काफी ज्यादा लाइट वेट स्मार्टफोन है और मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन Oppo वाला थोड़ा स्लिम है, लाइट वेट है, तो देखने में काफी सही लगता है। और इसमें कर्व डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों फोन में आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर मिल जाएगा, बाकी राइट साइड में आपको पावर बटन मिल जाएगा। लेकिन OnePlus में आपको अलर्ट स्लाइडर भी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप साइलेंट, वाइब्रेशन या फिर रिंग मोड पे आप अपने फोन को कर सकते हैं। नीचे के साइड में आपको टाइप सी का पोर्ट दोनों में मिल जाता है, बाकी स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट आपको दोनों में मिलेगा। और दोनों में यहाँ पे भाई जो माइक है वो नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है। इवन यहाँ पे ओप्पो में क्या है कि आपको यहाँ पे SD कार्ड का भी स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि 30K के रेंज में जो भी फोन आते हैं वहां पे आपको कोई भी SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है, यानी कि आप दो सिम कार्ड ही बस यूज कर सकते हैं। बस इसमें आपको हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट दिया गया है, जिससे आप यहां पे सिम कार्ड भी यूज कर सकते हैं दो, बाकी एक सिम कार्ड और एक SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं। बाकी यहां पे ओप्पो वाले फोन में यहां पे प्लास्टिक बैग मिलता है और OnePlus वाले फोन में आपको यहां पे ग्लास बैग देखने के लिए मिल जाता है। बाकी फ्रंट साइड में आपको यहां पे ओप्पो के फोन में 6.67 इंच का यहाँ पे कर्व HD प्लस 10 बिट डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक AMOLED डिस्प्ले है। इसी के साथ अगर हम OnePlus की बात करें तो OnePlus में भी आपको मिलता है 6.43 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले, जो कि भाई 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। लेकिन Oppo वाला जो फोन है ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बाकी Oppo वाले फोन में क्या है ना कि यहाँ पे बेजल्स आपको कम देखने के लिए मिलते हैं, चिन भी काफी कम है, लेकिन OnePlus वाले फोन में आपको बेजल्स थोड़ा Oppo के कंपैरिजन में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। बाकी अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको Oppo में Snapdragon 695 का प्रोसेसर मिलता है, और वहीं पे अगर हम OnePlus की बात करें तो यहाँ पे आपको Dimensity 1300 octa-core चिपसेट देखने के लिए मिल जाता है। इसका जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.2 GHz और इसका जो क्लॉक स्पीड है वो है 3 GHz। बाकी इसमें आपको 13 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है और इसमें आपको सिर्फ 9 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, लेकिन 5G इंडिया में भाई काम करेगा इन दोनों फोन्स में। बाकी इन दोनों फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी ये वाला जो फोन है ना, इसमें आपको कलर OS 12 का सपोर्ट मिलता है, यानी कि एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। और OnePlus के इस फोन में भी आपको एंड्रॉइड 13 मिल जाएगा, अभी रिसेंटली अपडेट आया था कुछ समय पहले, तो उसके बाद यहाँ पे भी आपको एंड्रॉइड 13 मिल रहा है। बाकी कलर OS का फील आपको दोनों में आएगा, यानी कि UI आपको दोनों एकदम सेम डिक्टो मिलने वाला है, क्योंकि OnePlus का भी ऑक्सीजन OS और कलर OS मिक्स करके अब इसको भी कचड़ा बना दिया गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाकी Oppo के फोन्स में आपको यहाँ पे 4800 mAh का बैटरी मिलेगा और OnePlus के फोन में आपको 4500 mAh का बैटरी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी इस फोन में आपको 80 वॉट का चार्जर मिलता है, लेकिन 67 वॉट ही सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें आपको 80 वॉट का चार्जर मिलेगा और ये 80 वॉट चार्जिंग सपोर्ट भी करता है। वहीं पे अगर Oppo की बात करें तो Oppo में क्या है ना कि यहाँ पे आपको रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन OnePlus में आपको रिवर्स चार्जिंग का कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी Oppo का जो फोन है यहाँ पे आपको 8GB का रैम LPDDR4X रैम मिलता है, बाकी यहाँ पे 8GB का वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिल जाता है। इवन यहाँ पे OnePlus में भी क्या एकदम सेम है, 8GB का रैम मिलता है और 8GB वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट आपको इस फोन के अंदर भी देखने के लिए मिल जाता है। बट यहाँ पे स्टोरेज में इन दोनों में डिफरेंस है। स्टोरेज आपको इसमें यहाँ पे 128GB का UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है, बाकी इस वाले में आपको UFS 3 का स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब इन दोनों फोन्स के कैमरास की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट साइड में आपको 32MP का कैमरा दोनों फोन्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी रेयर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे ओप्पो के फोन्स में आपको 108 मेगापिक्सल का यहाँ पे मेन कैमरा मिलता है, बाकी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रोस्कोपिक सेंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि भाई इसमें आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है और कोई भी 4K का सपोर्ट आपको इस वाले फोन में देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी OnePlus की बात करें तो यहाँ पे आपको मेन में 50MP का कैमरा मिलता है और 8MP और प्लस 2MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। इसमें OIS और EIS का भी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि वीडियो में स्टेबलाइजेशन होगा और यहाँ पे 4K का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप 30fps तक का ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, तो भाई इन दोनों फोन में बेस्ट कौन है? देखिए यहाँ पे अगर आपको वीडियोज ही देखना है और बाकी मतलब नॉर्मल टास्क करना है परफॉर्म, तो भाई आप ओप्पो ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे भाई 30,000 के अंदर ज्यादातर यूजर का ये इंटेंशन नहीं होता है कि वो भाई जस्ट फॉर फन के लिए फोन ले रहे हैं। उनको थोड़ा फीचर
फीचर्स चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, जो कि भाई इसमें वो सब कुछ नहीं है। कैमराज में आपको वही माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा इन्होंने वो कर दिया है, बाकी यहाँ पे कर्व डिस्प्ले होने की वजह से वीडियो मतलब व्यूइंग एंगल्स काफी सही है और वीडियो देखने में काफी मजा आता है। बट यहाँ पे अगर बाकी चीजों के बारे में देखें तो भाई परफॉर्मेंस वाइज और इससे काफी ज्यादा बेटर है वन प्लस का फोन। इसमें क्या है कि आपको फीचर्स भर भर के मिलेंगे, यहाँ पे कैमरा और परफॉर्मेंस वाइज ओप्पो से काफी ज्यादा बेटर फोन है वन प्लस। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप हमें कॉमेंट्स में जरूर से बताना। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।